हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की उधाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के आप मेरे चैनल पे आए हो, वो भी वर्ल्ड कॉइन के बारे में जानने। तो मैं भाई ऐसी चीज़ बताऊंगा जो ऑन ग्राउंड हो रही है या मेरे जानने वाले कर रहे हैं या जिनको मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा वर्ल्ड कॉइन के बारे में, क्योंकि जितनी हाइप चल रही है क्या ये हाइप रियल है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हम इसमें ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम वर्ल्ड कॉइन में ट्रेड करेंगे भाई, क्यों ना करें ट्रेड। ऑल्ट कॉइन है, एक बिटकॉइन से अदर कॉइन है, ऑल्ट कॉइन है, तो हम क्यों ना करेंगे ट्रेड। डेफिनेटली भाई ट्रेड करने वाले हैं हम इसमें। क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे? डेफिनेटली भाई वो भी कर सकते हैं। अब सारी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्या जो अपनी आई लेसेज है, जो ये आँखें हैं, क्या आपको स्कैन कराओगे क्या एक डब्बे के सामने आप जाके? वो किसके लिए? 20 और 25 WLD कॉइन के लिए, इनके कॉइन के लिए। उस बारे में सारा डिस्कशन ये है कि भाई ये जो पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बाकी आपको ये आपके वॉलेट में आपको ऑल्ट कॉइन दे दे रहे हैं WLD कॉइन। अब उसकी वैल्यू जो करंट चल रही है वो $2.5 चल रही है, $2.5 के आसपास चल रही है एक कॉइन की, 20-25 मिल जा रहे हैं। तो इंडियन के करेंसी के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने रुपये हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, जितने हो गए उतने हो गए होंगे। और आने वाले समय क्या प्राइस प्रेडिक्शन होगी वो भी मैं यहाँ बताने के लिए नहीं हूँ कि भाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जो रियलिस्टिक है, ठीक है। वीडियो को फास्ट कर लेना, अपना यूट्यूब के सेक्शन में जाके सेटिंग वाले में फास्ट कर लेना, सुन लेना। चलो भाई सबसे पहले तो देखो, मैंने पहले यही वेबसाइट ही खोल रखी है इनकी। आप भी डायरेक्ट गूगल पे डालना वर्ल्ड कॉइन और जाके इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा सामने। इस इंटरफेस को पहले आप जाके देखना, पढ़ना जरा इसके बारे में और फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अपना पर्सनल मतलब जो मैं चीज़ जानता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने इतने दिल लिया आपसे, इतनी लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, आपने पहले भी देख ली होगी, तो मैं आपको क्या दूंगा वो चीज़ समझ लेते। फिलहाल जो हर एक ह्यूमन की हाँ वो चल रही है, देखो ये धरती घूम रही है, गोल गोल धरती घूमती हुई दिखाई दे रही है और लाइव चल रहा है कि कितने लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आई लेसेस जो है आई स्कैन करा रहे हैं। लगभग अभी तक 21,20,30,075 लोग हो चुके हैं और देखो हर सेकंड में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लोग आई लेसेस कराते जा रहे हैं। उन्हें जैसे जैसे कराते जा रहे हैं तो इसी वॉलेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये 20-25 आपने जो WLD कॉइन है वो दे देते हैं, लोगों को मिल जा रहा है। अब भैया ये तो चीज़ है, अब ये है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए, जो आप मतलब बिल्कुल फर्स्ट हैंड चीज़ जो आपको कहीं सुनी नहीं होगी। कल अपने यहाँ से मतलब अपने शहर से लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ गई हैं, 10 से 12 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में बड़ी गाड़ियाँ भाई, ऐसी नहीं फॉर्चुनर, मतलब फॉर्चुनर टाइप की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गई हैं खूब भर के पूरी, जिसमें होंगे कम से कम आप सोच सकते हो 6-6 लड़के, 7-7 लड़के, कम से कम 10-12 गाड़ियाँ गई हैं ऐसी। और गई कहाँ है भाई? वो गई हैं चंडीगढ़। अब कहोगे भाई चंडीगढ़ कितनी देर का रास्ता है अपने यहाँ से? 5 घंटे का रास्ता है, अब आराम से चले जाओगे, सुबह निकलोगे शाम को घर आ जाओगे वापस। और एक गाड़ी में बैठेंगे कम से कम 5-6 लोग, अब जितने भी होंगे जितनी कैपेसिटी है वो तो मुझे आइडिया नहीं कि एक गाड़ी में कितना ही नंबर है तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन गए हैं। एक को कितने कॉइन मिल रहे हैं? 20 से 25 कॉइन मिल रहे हैं। क्या उनका क्रिप्टो से कोई वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। क्या क्रिप्टो को जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। क्या उन्हें पता है कि डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं? नहीं। जैसे आपने नेताओं की रैली देखी होगी, नेताओं की रैली में ऐसा कहा जाता है कि भाई जो भीड़ होती है वो जुटाई जाती है पैसे दे के, 100-100 रुपये मिलते हैं, एक एक अद्धा पौवा मिल जाता है उन्हें, और खाने को एक टाइम की रोटी मिल जाती है, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, तो लोग बाग भाषणों में भैया लंबी लाइन लगी रहती है, आपने देखा होगा, है ना? होता है तो रियल चीज़ है, तो हमने देखा ही है, हर 5 साल में देख ही लेते हैं एक बार, या फिर आपके राज्य में चुनाव होता है तब आप देख लेते हो। तो इसी तरीके से गाड़ियाँ भर भर के लोगों ने देखो आपदा में कैसे, आपदा तो नहीं है ये तो अवसर ही अवसर है, तो अवसर में कैसा आप लोग एक बिजनेस माइंड बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब बिजनेस कह सकते कुछ भी लोग, भारत है ये, कुछ भी होता है। अभी 3 दिन ही हुए हैं, 4 दिन हुए इस न्यूज़ को हाइप को क्रिएट होते, उससे पहले लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है अपना, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 10 गाड़ियाँ गई भाई भर के, 10 से 12 गाड़ियाँ होंगी आराम से, खूब होटर बजाते हुए सब कुछ करते हुए पहुँचे चंडीगढ़। वहाँ उस पर मेट्रो स्टेशन पे हमारे जो नियर में, हमारे नियर में चंडीगढ़ लोकेशन वो दिखा रहा है, वर्ल्ड कॉइन दिखा दे रहा है। अगर आप अपने आपको रजिस्टर करा लेना इनकी ऐप पे जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो उसमें दिखा देगा लोकेशन नियर बाई कहाँ हो आप, वहाँ जाके आपको अपनी स्कैन करानी होगी जो आई का ये पूरा सब कुछ है। तो लगभग चले गए हैं लोग, और किया क्या है उसमें, कोई एक समझदार भाई है, एक दो समझदार भाई हैं जिन्होंने लड़कों को इकट्ठा कराया, कर ही लेते हैं भाई, बहुत सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। गाड़ी लेके गया है, एक गाड़ी में, एक गाड़ी को अच्छी भी लेके होंगे, बड़ी वाली भी लेके गए होंगे, सब यार दोस्तों की गाड़ी किराए पे तो कौन कर रहा है, चल सबके पास गाड़ी है, तो भाई उसमें बिठा के लेके गए, 4-5 हज़ार रुपये का तेल लग जाएगा, एक आदमी को 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब एक गाड़ी कम से कम 1 लाख रुपये कमा के ला रही है उधर से, 1 लाख रुपये तो समझ सकते हो आप, जब इतने लोग बैठे हैं, 10 गई हैं तो 10-12 लाख का काम करके वो आ गए। उन्होंने क्या किया, सब अपनी आई लेसेस करवाई हैं। और भाई जो सबसे चटक वाली बात यह है कि जो लेके गए हैं ना उन्होंने क्या करा है, अभी कहानी बता रहा हूँ इसकी, क्या कॉइन से कोई मतलब है नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो रहा है चीज़, मतलब जो चीज़ हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या किया है कि उनको तो 500-500 हज़ार रुपये मिल गए हैं कैश इन हैंड,
और बाकी जो वॉलेट में जो पैसे हैं, ऑल्ट कॉइन है 20 से 25 WLD कॉइन, वो अपनी जेब में है, उनका जो भी करा होगा वो सब कुछ अपने पास है, वो सारी चीज़। तो भाई हो गया ना फ़ायदा, वहाँ तक घूम के भी आए लोग बाग चंडीगढ़ तक, खाया पिया भी होगा एक दो ढाबे के बीच में, और अपनी आई वी स्कैन करी आए। अभी तो बड़ी बात हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता आने वाले समय में क्या हो सकता है इन आँखों के साथ। क्या सोच रहे हो भाई, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ये क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया जो बदल रही है, जो चेंज हो रही है, जो एआई का वर्जन आते जा रहे हैं, नए नए एआई वर्जन आ रहे हैं, ये जो भगवान ने हमारे लिए स्पेसिफिक, जो ऊपर वाले ने स्पेसिफिक चीज़ बनाई है, जो किसी को सेम दी नहीं है। क्या नहीं दिया है? आंखें आपको सेम नहीं दी है, आपके हाथों की जो रेखा है ये सेम नहीं दी है, और भी बॉडी में बहुत सारी चीज़ होंगी जो हमें ह्यूमन को नहीं पता है कि सेम नहीं है। मुझे इतना ही आइडिया है कि ये दो तीन चीज़ जो है जो ये नहीं है, बाकी होगा सो होगा, वो आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, ये सब कुछ अलग है, तो ये इसलिए बनाई कि आइडेंटिटी दी है भगवान ने, तुम अलग हो इस धरती पे जो मैं भेज रहा हूँ, तुम इन चीज़ों से अलग हो लोगों से। ठीक है, ये हमारी एक स्पेसिफिकेशन होगी सबकी, सबकी अलग, चाहे आपके घर में कितने भी लोग हो, सबकी स्पेसिफिकेशन अलग है, अब दुनिया में अलग अलग है। ठीक है, चलो भाई, अब ये तो कहानी रही उसकी। अगर आप वैलिडेटर बनना चाह रहे हो, इसके मतलब जो आप चाह रहे हो कि आपकी सिटी में आए, हर सिटी के मेट्रो स्टेशन पे ही करी जा रही है, तो जिसमें मेट्रो सिटी है वहाँ कर देख सकते हैं जैसे क्या सारी चल रही है। इसमें ये भी ऑप्शन है इस वेबसाइट में, मैं आप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे कोई पैसे मिले प्रमोट करने, मैं तो बात बता रहा हूँ जो है, आपको पता होनी चाहिए सारी बात। तो है क्या इसमें कि आप भी अगर चाह रहे हो कि आपके यहाँ भी ऐसी भीड़ लगे, आप भी ऐसे लोगों को बुलाओ और अपनी उनकी आंखों स्कैन करवाओ, तो इसमें वो भी ऑप्शन है, आप बन सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उनका फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको शायद उसकी जो भी कुछ उनकी प्रोसेस होती होगी वो हो जाएगी, वो वेबसाइट पर जाके देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया भाई एक्सपीरियंस कि लोग बाग इस मौके में भी कैसे पैसे कमा रहे हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे मतलब काम कर रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो भी हो सके वो बचा लो कैसे भी करके। ठीक है, तो वो ले रहे हैं सॉल्ट पैक को बेच बाज देंगे, जो कर रहे होंगे वो करेंगे। ठीक है, यहाँ बात ये एक फिनिश हो गई। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कैसी कैसी चीज़ जो चल रही है, जो लोग मतलब इतना तेज़ दिमाग है कि कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं कि भाई कैसे ही बस अपना काम करो। अब भाई हम आ जाते हैं क्रिप्टो वाले, कि क्रिप्टो वाले क्या करें भाई, कहानी से हमारा तो कोई मतलब नहीं था, एक लिए एक्सपीरियंस था बता दिया मैंने आपको। अब क्रिप्टो वाले क्या करें, क्रिप्टो वाले भाई ये काम करेंगे कि पहली बात तो इस कॉइन में तो ट्रेड करनी है, अभी तो नया कॉइन है, होल्ड करके रख रहे हैं। अब ये कॉइन बनाया है किसने, पहले इस बारे में जान लेते हैं। अब इस बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये इस कॉइन का काम क्या है। इस कॉइन का काम ऐसा है कि आप समझ लीजिए, आपका आधार कार्ड है, भारत में आप रहते हो, आधार कार्ड है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका नंबर है, इस तरीके से ये आधार कार्ड आपका डिजिटली हो जाएगा, ये समझ लीजिए। अब जिसने बनाया सैम ऑल्टमैन, अभी सैम ऑल्टमैन कौन है, सैम ऑल्टमैन वही है जिसने चैट जीपीटी बनाया, और चैट जीपीटी पे जो ये काम कर रहे थे ना बंदे, ये अभी से काम नहीं कर रहे हैं, 2015 से काम कर रहे हैं। कि मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया व्यक्ति थे जो उसमें बैठे थे, हैं अभी नाम उनका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने काफ़ी लंबा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था मैंने वो सुना था। तो उस पॉडकास्ट में कह रहे थे कि एआई पे ऐसे काम चल रहा है, वो उस सैम ऑल्टमैन से भी मिले हैं बहुत सारी चीज़ें, कि 2015 से काम कर रहे हैं, एआई की प्रोसेस वो हो रहे हैं, और गूगल से भी आगे जा सकती है आने वाले समय में। एआई जिस तरीके से काम कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये काम एआई ने करा है कि ह्यूमन ने करा है, ये एआई है ह्यूमन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया, सैम ऑल्टमैन ने बनाया भाई क्या, चैट जीपीटी, जो आजकल फास्ट ग्रोइंग चल रहा है, सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग है, बहुत सारी चीज़ चैट जीपीटी एआई, चैट जीपीटी एआई हाइप चल रही है बहुत तगड़ी तरीके से, और आने वाले समय में चीज़ आपको बढ़ती हुई दिखेगी और अलग तरीके से। अब आ जाती है भाई कि ये चैट जीपीटी और ये सब काम किस बेस पे कर रहे हैं, ये सब बेस कर रहे हैं भाई डेटा, डेटा कलेक्ट कहीं ना कहीं से किया जाता है, उस डेटा को सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया गया है, उसको ऐसे सॉफ्टवेयर से ऐसी चीज़ों से करा गया है कि आपको इनक्रिप्ट करके सारी चीज़ करके ऐसा प्रोवाइड करें कि ये जो आप डायरेक्ट चीज़ मांग रहे हो उसका उत्तर आपको सीधा दे। गूगल पे क्या होता है, आप खुद डालोगे व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो आपको 10 आर्टिकल आ जाएंगे, 10 वेबसाइट आ जाएगी सामने, लेकिन आप चैट जीपीटी डालोगे व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बिटकॉइन ये चीज़ है, वो वेबसाइट है कुछ नहीं दिखाएगा आपको, सीधा डायरेक्ट आंसर दिखाएगा, वो सब कुछ पढ़ के रिफाइन करके सब कुछ, जितनी भी वेबसाइट गूगल पे दिख रही है वो। ये चैट जीपीटी हो गया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किसी ना किसी का तो उसमें भी डेटा गया ही है। ठीक है, चलो ये बात हुई सैम ऑल्टमैन की, थोड़ा सा हो गया, 2015 से बंदे काम कर रहे हैं सैम ऑल्टमैन, और बड़ी बड़ी जो फर्म्स है ना वो वर्ल्ड कॉइन में लगी हुई है। पीछे कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का भी पैसा है, बड़े काफ़ी बड़े बड़े लोगों का जो पैसा है वो इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है। अब जब चैट जीपीटी आ गई, सब कुछ आ गया, तो लोगों में हाइप बनी, और फिर ये सवाल उठा कि यार आने वाले समय में हम एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एआई है कि ह्यूमन है। तो सैम ऑल्टमैन का दिमाग जागा भाई, ओहो यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करें। अब इन्होंने कहा अच्छी चलो भाई हम एक काम करते हैं, एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं सब लोगों की, जो स्पेसिफिक होगी, जो अलग होगी। हम क्या करेंगे, लोगों की एक बॉक्स में कुछ है उसको
उसको बोलते हैं कुछ, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उस बॉक्स में क्या करेंगे कि हम आई लेसेस ना लोगों की स्कैन कर लेंगे, ना हम उनका आधार कार्ड ले रहे हैं, ना हम उनका फ़ोन ले रहे हैं, ना हम उनका ईमेल ले रहे हैं, ना हम उनका एड्रेस ले रहे हैं, कुछ भी हम ऐसी चीज़ उनकी नहीं ले रहे हैं जो उन्हें देनी है। सिर्फ वो एक काम करें, अपनी आई जो है ना, आँखें हैं, इनको स्कैन करा ले हमारे पास आके, और हम उनका जो डेटा है किसी को देंगे नहीं, और वो जो डेटा है हम जब किसी को पास नहीं करेंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। ये सबको डिसेंट्रलाइज तरीके से करा जाता है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ही ये रखा जाएगा, इधर उधर कहीं किसी को बांटा नहीं जाएगा। और जो आपका ये आँखें हैं, लेसेज है, ये हमें स्कैन कराओ और अपने 20 से 25 जो WLD कॉइन है वो ले जाओ यहाँ से, ठीक है। और आप में फिर अब इनकेस कभी कुछ होगा तो फिर हम देख लेंगे भाई ये AI है कि ह्यूमन है, सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी सी बात है बस, ये बात तो बड़ी छोटी सी लग रही होगी यार, आँख ही तो स्कैन करानी है, लेकिन भाई इसके जो इम्पैक्ट हैं वो लॉन्ग रन में बहुत घातक हो सकते हैं। क्योंकि जो ये फर्म है, जो एक कंपनी है, जो भी चीज़ है वर्ल्ड कॉइन वाले जो सैम ऑल्टमैन है, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट, ठीक है, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है। अब सरकारी से बात कैसे, मतलब समझ लो यार, डेटा तो हमारा ऑलरेडी सबके पास बटा हुआ है, जैसे आधार कार्ड का डेटा है, आपका पैन कार्ड का डेटा है, क्या हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ का निगरानी हमारी सरकार बनाए बैठी है, ठीक है। सरकार से बड़े तो हम हो नहीं सकते हैं, कोई भी इंसान नहीं हो सकता, हर एक इंसान का सरकार के पास डेटा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या चल रहा है। सरकार के साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे फेसबुक हो गई आपका, और भी आप गूगल ले सकते हो, उनको सब कुछ पता है भाई हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ कर रहे हैं, क्या कुछ छुपा थोड़े ना किसी का, लेकिन फिर भी ये चीज़ सामने नहीं आती। यही हमारा जो डेटा होता है, जो हमारे फ़ोन, देखो सबसे पहले जो जो हमारे लिए खतरा है ना आने वाले समय के लिए, फिलहाल इसे फ़ायदे भी हैं खतरे भी हैं, ये कैमरा हो गया, फ़ोन का कैमरा है ये, इस पे नीचे माइक है, और ये सब कुछ सुन रहे हैं भाई, सब कुछ सुन रहे हैं ये। आप समझ लो आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को दे रखा होगा, एक्सेप्टेंस दे रखी होगी कि भाई हाँ आप वॉइस भी ले लो हमारी, आप हमारा माइक्रोफोन का एक्सेस भी ले लो, आप हमारे कैमरे का एक्सेस भी ले लो, आप लोकेशन का भी ले लो, फ़ोन नंबर का भी ले लो, ये सारी चीज़ ले लो, दे रखी है सब कुछ। और बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है, बहुत सारे भाई जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है और जिनको लगता है कि चीज़ नहीं देनी चाहिए, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं वो, तो वो इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर स्कैम वगैरह भी होते हैं, फिर आपने देखिए फेसबुक पे, आप अमेजोन पे कुछ चीज़ सर्च कर लो, आज फ़ोन सर्च कर लो कि मुझे फ़ोन लेना है 20,000 से अंडर, 15,000 से अंडर, या कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड लेनी है, आप जब फेसबुक चलाओगे वो ऐड नीचे आपको दिख जाएगा स्क्रॉल आता, वो इंस्टाग्राम चलाओगे वहाँ भी आपको दिख जाएगा, यूट्यूब की वीडियो पे शॉर्ट्स देख रहे होगे वो भी वहाँ आ जाएगा आपको, यूट्यूब की वीडियोज़ में इस तरीके के ऐड दिखने लगेंगे। बार बार आपको फोर्स किया जाएगा कि भाई आप जो अपने जूते देख रहे थे ना, जो आप जूते सर्च कर रहे थे, मान लो आपके एडिडास के अल्ट्रा बूस्ट जूते पसंद आ गए, ठीक है, अब अल्ट्रा बूस्ट आपने सर्च करे, टक 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 अल्ट्रा बूस्ट आपने सर्च किया अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, भाई साहब फिर देखो आपको हर जगह ना वही देखने को मिले। आप वीडियो अपलोड करना चाहोगे यूट्यूब पे तो अभी आपको दिख जाएगा कि यार ये जूता तो मुझे लेना है ना, तो वो आपको इस तरीके से फोर्स करते हैं, आपकी जो आपके मेंटल उससे खेलते हैं फिर ये लोग, ठीक है, ये सारा गेम इसी का है। अब जब आई लेसेज कर दिए, लेकिन इसमें कुछ अभी हमें हार्मफुल नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन जैसे जैसे AI बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, क्या पता हमारे आई लेसेज अभी तो हम आईफोन खोलते हैं, आईफोन चलाते हैं तो ऐसे स्क्रॉल झट से खुल जाता है ना भाई, स्कैन कर लेता है फेस वगैरह, आई वगैरह जो भी वो स्कैन करता होगा, डेटा तो इनके पास भी हमारा, लेकिन एक इनके पास सिक्योरिटी है, इनके पास क्या मतलब हमें इस चीज़ का भरोसा है कि यार इनके पास अगर डेटा है तो हमारा डेटा लीक नहीं होगा, है ना, है तो इनके पास भी, एप्पल वालों के पास भी सेफ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एप्पल ज़्यादा सेफ है। अब जब ये सैम ऑल्टमैन वाले आए हैं तो ये प्राइवेट एंटिटी है, हम किसी सरकार को चुनते हैं देश में, किसी भी सरकार को, आप किसी को चुन लो, भारत में आप राहुल गांधी को चुन लो, मोदी को चुन लो, केजरीवाल को चुन लो, किसी को भी आप चुन लो, ठीक है, किसी की भी सरकार ले, BJP की, कांग्रेस की, तो हम क्या करते हैं, हमें एक भरोसा होता है ना, सारे लोग चुन के ठप्पा लगा के पहुंचाते हैं ना उन्हें उस सीट तक, ये आप हमारे PM हो, आप हमारे ये हो, आप हमारे वो, इस तरीके से आप बैठाते हो ना, आप अपना जो डेटा दे के आते हो सरकार के पास। अभी भी आप देखते हो कि आधार कार्ड से कितने फ्रॉड होते हैं, कितने स्कैम किए जाते हैं, जो आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, आपके पैन कार्ड से पैसे निकल जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बाद जब सरकार बहुत सारी चीज़ आप हालांकि अपनी एप्लीकेशन में डालते हो, बहुत सारे एक एप्लीकेशन आती है जिसमें आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाल के रखते हो, मैं उस एप्लीकेशन का नाम भूल रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास वो नहीं है एप्लीकेशन, ठीक है, डेटा तो उसमें भी आप डालते हो, लेकिन उसका ये भरोसा है कि यार ये सरकार के पास है डेटा, सरकार इसका ध्यान रखेगी। लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनियां ले रही हैं, जो ये डेटा इकट्ठा कर रही हैं पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का, अगर डाटा इकट्ठा कर लेंगे, डेटा इकट्ठा कर लेंगे, आँख वगैरह का इकट्ठा लेंस कर लेंगे और पहचान लेंगे किसी भी जगह पे, ये फ़ोन के कैमरे कभी बंद नहीं होंगे, यहाँ तो होंगे ही ना हमेशा ज़िंदगी में, ठीक है। अब इसका क्या नुकसान होगा मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है, मैंने काफ़ी ज्ञानी लोग से सुना तो मैं आपको बता दूँ, क्यों ना सुनूँ, मुझे एग्जांपल बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो होगा क्या, आप आई लेसेज वगैरह स्कैन करा दिए, आपने पैसे मिल गए, अभी के लिए छुट्टी हो गई, आने वाले 10-12 साल में, 5 साल में यही चीज़ क्या पता इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इससे बहुत सारी चीज़ होने लगे और
आने वाले समय में कुछ ऐसे स्कैंस बने, कुछ कुछ ऐसे लॉक बने, या कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके आईलैशेस की हो, तो फिर क्या करोगे भाई? या फिर क्या ये जो अभी जो इंटरेस्ट जो मतलब 10 12 20 25 पॉइंट ले लोगे, क्या इनसे राजी हो जाओगे आप? उस टाइम तो आपकी सारी ज़िंदगी जा चुकी होगी ना। फिर क्या होगा ना, मान लो किसी के लिए आपने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया, किसी के लिए, कोई बड़े पद पे बैठा है व्यक्ति और उसके पास आप सब कुछ डेटा है, आपने कर दिया कोई नेगेटिव कमेंट, किसी को आप पसंद, आप किसी को पसंद नहीं करते, आपने नेगेटिव कमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, तो भाई भाई अपना सॉफ्टवेयर में डालेंगे टक 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 कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके जो आई लैशेस स्कैन कर ही रहा है आपका कैमरा हमेशा, आपकी लोकेशन, आपका सब कुछ पता लग जाएगा, जो भी उस ऊंचे पद पे बैठे हुए, सरकार समझ लो, कोई भी समझ लो, जो भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका समझ लो आप कनेक्टेड हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो, वाईफाई ख़त्म, आपका बंद कर दिया, आपकी जो लोकेशन है सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या सारी चीज़ कर रहे हो, वो भी एक क्लिक पे, वो भी AI अपने आप ही कर सकती है। तो भाई कितना खतरनाक हो सकता है, इस चीज़ को ज़रा सोचना। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, आपकी क्रिप्टो के जितने भी पासवर्ड हैं, वॉलेट है, वो सब फ्रीज किया जा सकते हैं, आपके एड्रेस फ्रीज किए जा सकते हैं क्रिप्टो बेस पे ले, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो एक बार जब आप क्रिप्टो में हैं तो थोड़ा सा समझदार बने, थोड़े से लालच में अपनी आंखों को किसी के सामने स्कैन करवा के ना दे कि भाई ये ले लो, स्कैन कर लो और हमें दे दो हमारे डॉलर्स, हम तो अपना अपनी ज़िंदगी मज़े कर लेंगे। समझ लेना ज़िंदगी भर के लिए आप नंगे हो जाओगे अगर आप ये दे के आ गए तो, ठीक है, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। अब बात हो गई ये क्या मैं कराऊंगा भाई अपनी आई स्कैन, बिल्कुल घंटा नहीं कराऊंगा मैं, क्यों कराऊंगा भाई, नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई प्राइवेसी अपनी ज़रूरी है, अपने हाथ में होनी ज़रूरी है। बाकी ये काम करेंगे, इनका जो फ्यूचर होगा अच्छी बात है, नया ऑल्ट कॉइन है, काम कर रहे हैं, सैम ऑल्टमैन का नाम है, दुनिया में सबसे बड़े व्यक्ति बनेंगे, बनेंगे ऑल्ट कॉइन ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी 100 200 डॉलर का, 500 1000 डॉलर का रख रख लेंगे अपने वॉलेट में, नीचे आने पर, अभी करंट मार्केट प्राइस पर नहीं, नीचे आने पर अपने वॉलेट में रख लेंगे, इस बुल रन में अपना हाइप बन रही है, बनाओ हाइप और अपना प्रॉफिट में बुक करके बाहर बैठ जाएंगे, इतना सा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो प्राइवेसी यार ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि मैं ऐसे ही बस 20 25 ऑल्ट कॉइन के लिए दे के आ जाऊँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चल रही है, ठीक है। और इनका कहना ये कि हम डिसेंट्रलाइज है, हम किसी को डेटा नहीं देंगे, हम सरकार को डेटा नहीं देंगे, हम सबका डेटा स्टोर करके रखेंगे, लेकिन एट लास्ट है तो भाई लास्ट में ये अब अलग अलग कंट्रीज से आवाज़ उठने लगी ना, फ्रांस से भी उठने लगी कि भाई तुम कैसे डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तुम कौन होते हो, और पूरी दुनिया का एक जगह डेटा इकट्ठा करने कितना खतरनाक हो सकता है भाई। ये सोचो ना, ये दो दो जो बंदा 2015 से ChatGPT जो हम आज सोच रहे हैं ना, वो आज धमाल मचा रहा है, जो हमारी सोच आज बिल्कुल निखर कर दे रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। उस बंदे ने 2015 में सोच ली थी, तो उसकी सोच अब कहाँ होगी, हमसे तो काफ़ी साले आ गए भाई वो, ये सोचो आप, है ना। तो बस वैसे बनाया इसलिए था कि ह्यूमन में और आपका AI में कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कौन आदमी है कौन AI है, तो आई लेसिस से पता लगेगा, बनाया इसलिए था, विज़न ये था, लेकिन सोच कुछ भी हो सकती है भाई। तो मेरा ये टेक था इस पे, हो सकता है मैं आपके लिए गलत हूँ, आपको ये चीज़ सुनने को मज़ा ना आया हो, सारी चीज़ ना आई हो, लेकिन ये मेरा पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना था ज़रूरी, तो मैंने रख दिया आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी ना करें, और बाकी जो पहले भाई ने काम किया था, जो गई है 10 12 गाड़ी है, वो कैसी लगी कहानी आपको, सच्ची कहानी बताई है मैंने आपको, ऐसे झूठ झूठ नहीं बताता हूँ आपको। आप चंडीगढ़ में चेक कर सकते हैं, चंडीगढ़ में सेक्टर कौन सा आइडिया नहीं है मुझे कौन से सेक्टर में, लेकिन उधर हुई है भाई ये चीज़, ठीक है, स्टेशन पे हुई है ये चीज़, डेफिनेटली हुई है। और भाई बाकी सिटीज़ में बेंगलुरु की एक मैंने वीडियो शेयर करी थी आपसे, बेंगलुरु में मॉल में हुआ था, तो चंडीगढ़ में भी किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन मुझे आइडिया नहीं कि किस लोकेशन पर हुआ है, लेकिन हुआ पक्की बात है ये। और फिर उनके ऊपर पुलिस केस भी हुआ है, क्योंकि इतनी जब लोग पहुंच चुके हैं वहाँ, इतनी गाड़ी पहुंच चुकी है एक साथ, तो ऐसा लगा लोगों को या मतलब पुलिस वालों को जब रिपोर्ट विपोर्ट हो गई कि भाई इतनी सारी गाड़ी एक साथ भर के आई है लड़कों की, तो देखो क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ हो गई, भगदड़ मच गई है, मतलब जो भी चीज़ हुई होगी, तो उनके ऊपर केस भी हुए हैं फिर बाद में, ठीक है, लेकिन संभाल ली गई है बात बाद में, तो ये सारी चीज़ हुई है। तो ये पूरी कहानी थी वर्ल्ड कॉइन के बारे में। ट्रेड तो हम इसमें डेफिनेटली करेंगे, जो भी मिलेगा, बाइंग सेलिंग जो भी होगी, लॉन्ग शॉर्ट वो करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे आने देते हैं। फिलहाल मेरा ये टेक था इस पे, और कुछ मैं पॉइंट भूल रहूँगा तो डिस्कस कर लूँगा, बाकी ठीक है। अपना ChatGPT AI तो बढ़ने वाला है भाई, AI जो है ना वो इतने काम करेगा जो हम सोच नहीं सकते आने वाले समय में, ठीक है, बहुत सारे सरल कर देगा चीज़ों को, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी भी और बहुत सारे लोगों की नौकरी आएगी भी, बहुत दुनिया ना बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, और इन सब चीज़ में पता है इस्तेमाल क्या होगा, बिटकॉइन, बिटकॉइन किंग है भाई, ठीक है। और आज मैंने एक सतोशी नाकामोटो का एक वो भी शेयर किया था आपसे टेलीग्राम पे, दिखाता हूँ मैं आपको यार, ठीक है, थोड़ा समय ले रहा हूँ आपका, बट माफ़ी चाहूँगा यार समय के लिए, समय ज़रूरी है सबका। सतोशी नाकामोटो ने 13 साल पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था
उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस पता क्या था? 0.07 डॉलर्स, 0.07 डॉलर्स. आज कितना है? 30,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस. इफ़ यू डोंट बिलीव मी और यू डोंट गेट इट और डोंट गेट इट, आई डोंट हैव टाइम टू ट्राई कन्विंस यू. सॉरी, क्या बात है. मतलब अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं है या तुम मेरी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊँ, मैं तुम्हें कन्विंस करूँ कि ये ले लो या वो कर लो. सॉरी, बाय. अब आपको भी भाई बाय, मैंने भी आपको समझा दिया यार. मैंने मतलब बताइए अपना विजन बताया मैंने. मैं आपको बाय नहीं करूँगा ना, सॉरी बोलूँगा, ठीक है, बस ना बोलूँगा. क्रिप्टो जिंदाबाद, बाय टेक एन बी से बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा. और जब ये ज्ञान आप पालोगे ना, बैठोगे चार लोगों में तो मज़ा आ जाएगा. बोल सकते हो निखर गया मैंने ये बात वहाँ सुनी थी तो. देखो ठीक है, बाय टेक एन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद. वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब. यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लिख देना टाइम स्टैम्प नीचे कि 20 मिनट 38 सेकंड तक आपकी वीडियो देखी है. भैया थैंक यू सो मच. लाइक, चैनल सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.